पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामशान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु जाओ चंद्रगुप्त। कक्ष से ही क्यों? यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं तक्षला से ही चला जाऊंगा। तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। तक्षला तक तो आप मुझे ले आए थे, पाटलिपुत्र तक मेरा अनिश्चित भविष्य मुझे ले जाएगा, पर मेरा शैशव, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरे शोक, मेरे हर्ष, मेरा भविष्य मैंने एक अपरिचित व्यक्ति को सौंप दिए थे। आज उसी व्यक्ति से अपना शैशव, अपना भविष्य वापस मांगने आया हूं। लौटा दीजिए वो सारी स्मृतियां जो आपने अपने हृदय में संजो के रखी हैं, मैं चला जाऊंगा। तुम भावुक हो रहे हो चंद्रगुप्त। भावुक तो मैं था जो एक अपरिचित अनजान व्यक्ति की उंगली थामकर तक्षशिला तक चला आया। जब मां के गर्भ से बाहर आया तो सामने भावों का संसार था जिसमें स्नेह था, ममत्व था, अपनत्व का स्पर्श था, और यदि उपेक्षा थी तो वो भी अपनों की थी। पर शैशव की उस सांझ को एक अपरिचित की पुकार पर मैं दौड़ा चला आया। आपने ही तो कहा था उपेति चंद्रगुप्त, और मैं समस्त बंधनों को तोड़कर ज्ञान के गर्भ में आ समाया था। नहीं जानता था कि ज्ञान के गर्भ से प्रवास के पश्चात यूं फेंक दिया जाऊंगा किसी अनाथ जारज शिशु की भांति। क्या हो गया है तुम्हें आज चंद्रगुप्त? मेरा भ्रम टूट गया है आचार्य। कारशा पणों से क्रय किया गया चंद्रगुप्त मात्र दास हो सकता है, और मैं दास भी तो नहीं, मैं तो मात्र आपकी कृपा पर जी रहा हूं। मुझे मेरा मूल्य बता दीजिए आचार्य,
ताकि उस मूल्य को चुकाकर मैं उस ऋण से मुक्त हो सकूं जो मेरे मातुल को दे आपने मेरे माथे पे चढ़ा रखा है। तुम मेरे समस्त ऋणों से मुक्त हो, अब तुम जा सकते हो। ऋणों से आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं, पर क्या अपने हृदय से मुक्ति दे पाएंगे आप? आपको अपने पूर्वजों की स्मृति की सौगंध, बोलिए क्या चंद्रगुप्त को हृदय से निष्कासित कर पाएंगे आप? आप बोलते क्यों नहीं आचार्य? क्यों मुझसे छल करते हो चंद्रगुप्त? किस बात का मुझे दंड दे रहे हैं आचार्य? क्या चंद्रगुप्त इतना भी योग्य नहीं कि आपकी पीड़ा में सहभागी हो सके? मेरी पीड़ा मेरी निजी संपत्ति है चंद्रगुप्त, उसमें सहभागी होने का प्रयास मत करना। पर जिस पीड़ा का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से हो वो आपकी निजी व्यथा कैसे हो सकती है आचार्य? आप उत्तर क्यों नहीं देते आचार्य? क्या मैं इतना भी योग्य नहीं कि आपका अनुसरण कर सकूं? मेरे पथ पर पग पग भर कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं चंद्रगुप्त। पर मैंने तो यही शिक्षा पाई है आचार्य कि जो पथ कंटकों और कठिनाइयों से पूर्ण न हो वो पथ बहुधा अथा पतन की ओर ले जाता है। आप मुझे किस पथ की ओर ले जाना चाहते हैं आचार्य? चंद्रगुप्त, आपने ही तो कहा था कि चंद्रगुप्त राष्ट्र के गौरव को नष्ट न होने देना, और आज आप ही मुझे पथविहीन कर रहे हैं। यदि आपको मेरे सामर्थ्य पर विश्वास न हो तो एक बार कहकर तो देखिए, मैं मृत्यु के द्वार भी खटखटा कर आऊंगा। चंद्रगुप्त, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मृत्यु नहीं। मेरे जीवन पर तो आपका ही अधिकार है, और आपकी आज्ञा के बिना मर भी नहीं पाऊंगा। चंद्रगुप्त, कुछ तो बोलिए आचार्य, क्या हो गया है आपको? उत्तिष्ट भारत कहकर काल को भी आवाहन की प्रेरणा देने वाला आज इतना मौन क्यों है? समय सभी रहस्यों को खोल देगा, अतः समय की प्रतीक्षा करो। जाओ अपने कक्ष में जाओ। आपने मुझे बुलाया आचार्य? द्वार बंद कर दो। कल रात आप कहां थे आचार्य विष्णुगुप्त? तक्षशिला में। तक्षशिला में कहां? वीथियों में। अब यहां आंख मिचौली बंद करोगे? बताते क्यों नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? विष्णुगुप्त, तुम्हारे इस मौन का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं मैं। क्या रहस्य तुम्हारे इस मौन में? कुछ भी तो नहीं। तुम नहीं बताओगे तो मैं नहीं जान पाऊंगा, ऐसा नहीं है विष्णुगुप्त? मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं देख रहा हूं कि कोई काल सर्पिणी अपने बंधन से मुक्त हो, निश्चय के मंत्र से वशीभूत हो, तुम्हारे स्कंधों पर लहरा रही है। टसे गए हो तुम, बोलो किसके हाथों अपमान का विष पी आए हो? ऐसा कुछ नहीं है आचार्य। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूं आचार्य? इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की कल्पना करने वाला इतना भावविहीन क्यों है? यवनों का मार्ग रोकने के अभियान पर जो चारों दिशाओं में दौड़ पड़ा था, आज वो इतना शांत क्यों है? इस राष्ट्र के गौरव की रक्षा का आह्वान करने वाला आज इतना मौन क्यों है? क्या तुम्हारे भीतर धधक रही स्वतंत्रता की आग यवनों की विजय से बुझ गई है, या तुम्हें भी जीवन का मोह रोक रहा है? यदि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते तो केवल इतना बता दो, क्या तुमने भी राष्ट्र की पराजय स्वीकार कर ली है? पराजित जनपद में है, भारत नहीं। पर यवन अभी भी भारत की छाती पर बैठे हैं, उनसे कैसे लड़ोगे?
अभी मार्ग निष्कंटक नहीं हुआ है और तुमने अपना अभियान रोक दिया। क्या चाहिए तुम्हें विष्णुगुप्त? हजारों जीवन प्रस्तुत है तुम्हारे साथ चलने के लिए, हजारों युवक है राष्ट्रपथ पे प्राण देने के लिए, फिर तुम निष्क्रिय क्यों हो? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तो कहो, कहो विष्णुगुप्त। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। ओ, तो गुरुकुल भी अब राजनीति से अलिप्त नहीं रहा आज? प्रश्न, जब संपूर्ण राष्ट्र का हो तो गुरुकुल उससे कैसे अलिप्त रह सकता है कुमार? तो क्या मैं ये समझू कि मेरे निर्णय के विरुद्ध गुरुकुल विद्रोह का सूत्रपात करेगा? अपने ही भूमि पर अपने ही राष्ट्रीय ध्वजों को देखकर आश्चर्य होता है कुमार, पर जब अपनी ही भूमि पर यवनों का ध्वज देखोगे तब क्या होगा अंबे कुमार? हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है, उसकी पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है। भारत की अजय संस्कृति अविजित रहेगी? क्या क्रांतियों के समक्ष यह राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं व अपने जीवन मूल्यों की रक्षा कर पाएगा? क्या क्रांतियों के प्रहार से यह राष्ट्र खंड खंड और चूर चूर हो जाएगा? कौन उन्हें समझाएगा कि जनपदों में बटा भारत एक अखंड राष्ट्र है? तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास आया है। बस इसलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सहचरों को कष्ट दिया? महाराज, भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं, मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मगध भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व ले। सीमा की रक्षा सीमा रक्षक किया करते हैं, सम्राट नहीं। सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। भिक्षक, देख रहा हूं कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? कौन करेगा उनके हलों की रक्षा? प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। एक दिवस यही शिखा तेरे कुल की काल तर्पणी होगी धरनंद। तुम जैसे दुष्टों ने भारत को पदाक्रांत कर रखा है, मैं तुम जैसे दुष्टों को पदाक्रांत करूंगा। से राष्ट्र विरोधी शासकों का उद्धार नहीं करूंगा, तब तक मैं चणक का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यदि तुम हमें अपराध भाव से ग्रस्त करवा कर ही कुछ बताना चाहते हो तो मैं स्वीकार करता हूं कि अयोध्यागार की कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य। तो फिर तुम्हारा आचरण इतना रहस्यपूर्ण क्यों है? योजना आरंभ करने से पूर्व मैं अपने निकट के व्यक्तियों को भली भांति टटोल लेना चाहता था आचार्य। तो किस निर्णय पे पहुंचे तुम? स्थितियां कठिन अवश्य हैं, पर वातावरण अनुकूल है। तो प्रतीक्षा किस बात की है? मैं भृत योद्धाओं को अपने पक्ष में देखना चाहता हूँ। किसकी हत्या करवाना चाहती हो तुम? समय आने दीजिए, सब बता दूंगा। इसमें मुझे क्या करना होगा?
यदि संभव हो तो भृत्य योद्धाओं से मिलने की व्यवस्था। ठीक है, अनुज से कह मैं तुम्हारी भेंट भृत्य योद्धाओं के प्रमुख से करवा दूंगा। और कुछ? समय आने पर कह दूंगा। सावधान रहना, गुरुकुल को तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ, छात्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक बात और बताते जाओ विष्णुगुप्त, कब तक यह शिखा बंधन में नहीं आएगी? जब तक मैं अपने राष्ट्र को पुनः गौरवशाली नहीं बनाता, तब तक यह सदैव मुझे मेरे प्रण का स्मरण दिलाती रहेगी। तुम्हें हमारे आगमन की सूचना तो मिल चुकी होगी सेहरन। आपने कहा होता तो मैं स्वयं चला आता। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुमूल्य है सेहरन, उसे मैं किसी भी मूल्य पर खोने को तैयार न था, इसलिए मैं स्वयं चला आया। ये मेरे शिष्य हैं, यह है चंद्रगुप्त और यह अक्षय। प्रणाम सेनापति। अब मैं सेनापति नहीं हूं, अब तो मैं बस जीविका पाने के लिए लड़ने वाला एक योद्धा मात्र हूं। जीविका के लिए लड़ने वाला हर कोई योद्धा नहीं होता सेरण, तुम तो जन्म से योद्धा हो। मार्ग से भटक जाने का अर्थ ध्येय से भटक जाना तो नहीं होता सेरण। हां, ध्येय बदल जाए तो मार्ग भी स्वयं बदल जाते हैं। मैं पथ वधे दोनों से भटक गया हूं आचार्य। यदि यही अंतिम सत्य होता तो आज मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा नहीं होता सेहरण। नियति भी कितनी विचित्र है कि आज मैं अपने ध्येय की पूर्ति के लिए तुम्हारे मार्ग पर आ खड़ा हुआ हूं। अज्ञानी हूं, फिर भी निवेदन करूंगा आचार्य कि सेहरण का मार्ग किसी भी ध्येय तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें इतना विश्वास क्यों है सेहरण? इसलिए कि यदि साधन गलत हो तो साध्य भी दूषित होता है, मार्ग गलत हो तो ध्येय भी अपवित्र होता है आचार्य। यह भी अंतिम सत्य नहीं है सेहरण। उच्च ध्येय के साधन परिस्थितिवश दूषित हो सकते हैं, अन्यथा जीविका के लिए युद्ध करने वाला सेहरण किस ध्येय के लिए तक्षशिला के आयुधागार पर आक्रमण कर उसे अग्नि को समर्पित करता? इसलिए कि वो हथियार यवनों को पहुंचाए जाने वाले थे और यवन उनका उपयोग तुम्हारे ही बांधवों पर करते, यही ना? कईयों के जीवन की रक्षा के लिए तुमने कुछ प्राण हर लिए सेहरण। तुम्हें अपनाए हुए मार्ग पर खेद हो सकता है, पर ध्येय पर आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं आचार्य? मुझे तुम्हारा सामर्थ्य चाहिए, तुम्हारी शक्ति चाहिए, तुम्हारा रण कौशल, तुम्हारा नेतृत्व चाहिए। हमें भृत्य योद्धाओं की सेना खड़ी करनी है सेनापति। क्या आप राज्य में यवनों के विरुद्ध विप्लव करना चाहते हैं? विप्लव यवनों ने किया है हमारी मातृभूमि पर, आक्रांता यवन है हमारी धरती पर,
यह राष्ट्र हमारा है, यह धरती हमारी है। इस राष्ट्र का यवनों की दास्ता से मुक्ति का मार्ग विप्लव नहीं कहा जा सकता। सहरण स्वाधीनता संग्राम को यवन विद्रोह की संज्ञा दे सकते हैं, कोई भारतीय नहीं। आप आज्ञा दीजिए आचार्य, सहरण इस कार्य के लिए तत्पर है। तुम भृत्य योद्धाओं को एकत्र करो, मैं धन एकत्र करूंगा। आचार्य धन की चिंता न करें, सहरण यदि जीविका के लिए हत्या जैसा पाप कर सकता है तो राष्ट्र के लिए धन की भिक्षा भी मांग सकता है, और यदि उसे यह भिक्षा न मिली तो सहरण सामर्थ्यवानों के स्वर्ण भंडारों से एक मुट्ठी स्वर्ण छीनने का सामर्थ्य रखता है। आचार्य आप निश्चिंत हो मार्गदर्शन कीजिए। समय आने पर समस्त योजनाओं को तुम्हारे समक्ष रख दूंगा सेनापति। एक और प्रार्थना है सेनापति। मैं प्रार्थना के योग्य नहीं हूं आचार्य। याचक सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है सेनापति। ये मेरे दोनों शिष्य सतत तुम्हारे संपर्क में रहेंगे, इन्हें मार्गदर्शन देते रहना। अब मैं चलता हूं, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो तुम्हारे कंधों पर सौंपे जा रहा हूं सेनापति। अब जो सिंहरण पथभ्रष्ट हुआ तो मातृद्रोह का पाप उसके माथे पर होगा। सिंहरण मां से घात नहीं करेगा आचार्य। प्रणाम। अंशोहो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तोयावयच्छत्रुभन्ति तम्। अंशोहो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तोयावयच्छत्रुभन्ति तम्। अंशोहो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तोयावयच्छत्रुभन्ति तम्। अंशोहो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तोयावयच्छत्रुभन्ति तम्। अंशोहो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तोयावयच्छत्रुभन्ति तम्।